कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में हिमाचल कांग्रेस जल्द ही जय भारत सत्याग्रह शुरू करने जा रही है। यह सत्याग्रह 15 अप्रैल से शुरू होगा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इसकी शुरुआत जिला मंडी से करेगी। इस बाबत आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी देश में संसद में आम जनता की आवाज उठाने का काम कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा और सरल सवाल पूछा कि आखिर सभी बड़े बड़े टेंडर पूंजीपति गौतम अंडानी को क्यों दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। देखो, AICC के डायरेक्शन के मुताबिक ये भारत सत्याग्रह आग्रह हम लोग ने यहाँ पर 15 से 20 तारीख तक शुरुआत करने की, आज जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे प्रधान लोग हैं उनसे हमने इस बात की चर्चा की और उनको बताया कि हर जिला में ये कार्यक्रम इस तारीख में से इस तारीख तक ये किया जाएगा और अब उन्होंने डेट निश्चित करनी और हमारे सीनियर लोग जाकर उस मीटिंग को वहाँ पर एड्रेस करेंगे। इस बात का जो निचोड़ है वो ये है कि आज भारतवर्ष में ऐसा माहौल बन गया है कि आप विपक्ष को ना अपनी बात रखने दे रहे, ना विपक्ष की बात सुनना चाहते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे विधानसभा में हो। हमने बहुत कोशिश की, खास करके राहुल गांधी जी जिन्होंने पार्लियामेंट में ये प्रश्न उठाया था कि क्यों अदानी को ही सारे काम दिए जा रहे हैं, क्या इसका मकसद है, मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूँ। आपने विदेश यात्रा में भी उनको अपने साथ ले गया और जो भी भारतवर्ष के मुख्य काम है वो भी आप उनको दिए जा रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने प्रश्न किया था और प्रधानमंत्री से जवाब मांगा था। ना प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया, ना उसके ऊपर कोई चर्चा हुई और हमने इस बात को लेकर आंदोलन भी किया और जो भी पार्टीज़, कम से कम 18 पार्टी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो भी इस बात से सहमत है कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी की आवाज़ को इस तरीके से, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से हिज वॉट एवर ही फील्स लाइक सेइंग, आप उस आवाज़ को दबाने के लिए जो भरसक प्रयास कर रहे हैं उसके लिए सभी 18 पार्टियों ने कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रधान खड़गे जी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस आंदोलन में भाग भी लिया। और आप जानते हैं कि जब ये आंदोलन हमारा चल रहा था तो उन्होंने सभी को बसों में बैठाकर दूर तक 15-15, 20-20 किलोमीटर ले जाकर जेल में उनको 5-6 घंटे तक उनको अंदर रखा और बाद में छोड़ दिया गया। तो ये जो एक प्रचलन मोदी जी के सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उसके विरोध में लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और उसी के संदर्भ में अब हम इस कार्यक्रम को हर जिला में भी करने जा रहे हैं। इसीलिए हमने सारे जिला के प्रधानों को बुलाया था, उनको डायरेक्शन दी गई और हम इसको 15 से 20 तारीख तक हर जिले में इस कार्यक्रम को करेंगे। शुरुआत जिला स्तर पर ही सभी जगह पर शुरुआत करेंगे एक साथ? नहीं, एक साथ तो नहीं किया जा सकता, जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ पर मैं जाऊंगी, जैसे मंडी में से करूंगी, अगर कुल्लू नज़दीक पड़ा तो कुल्लू भी ज्वाइन कर सकती हूँ और अन्य जिलों में हमारे सीनियर लोग, चाहे वो मंत्रीगण आए चाहे सीनियर पार्टी के जो लीडर्स होंगे, उनको वहाँ पर बुलाया जाएगा ताकि वो लोगों को वहाँ पर एड्रेस भी करें और अपनी बात मजबूती के साथ रखें। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।